अपने को ज्यादा से ज्यादा चित्वनी करने में कैसे प्रेरित करें? जब भोजन स्वादिष्ट लगता है तो व्यक्ति भूख से भी ज्यादा खाने का प्रयास करता है। ऐसे जब आपको चितवनी का रस मिल जाएगा तो बिना कहे आप ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। चितवनी का आनंद कब मिलेगा? जब जैसा निर्देश दिया जाता है वैसा आप करें तो बिना कहे, जब आप अभी आधा घंटा कर रहे हैं, एक घंटा कर रहे हैं, तो इसमें किसी को दबाव देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहेंगे कि मैं दो घंटा करूं, तीन घंटे करें, चार घंटे करूं, और जिसको इसका रस मिल जाता है वो तो चाहता है कि आंखें बंद हो तो कभी खुले ही नहीं। अगला प्रश्न है, स्त्री और पुरुष के आकर्षण से कैसे बचाएं? यह तो प्रकृति का नियम है, जब से सृष्टि पैदा हुई है जब तक सृष्टि रहेगी तब तक स्त्री और पुरुष में आकर्षण बना ही रहेगा। यह तो हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि उस आकर्षण में हम विवेक दृष्टि रखें। जैसे माता पिता के प्रति भी तो आकर्षण होता है, पत्नी के प्रति भी आकर्षण होता है, बहन के प्रति भी आकर्षण होता है। आकर्षण में कुदृष्टि न हो। यदि कोई सुंदर महिला जा रही है तो हम क्या देखें कि जिस नारायण की रचना में इतनी सुंदरता दिख रही है, नारायण तो अक्षर का स्वप्निक मन है, नारायण से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत का स्वरूप कितना सुंदर होगा। सौंदर्य को देख रहे हैं लेकिन हमारी भावना कुत्सित नहीं है। पाप तब लगता है जब हमारी भावना बुरी होती है। आप किसी बहन के सौंदर्य को या कोई बहन भाई के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो तो वासनात्मक नहीं होना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए। हमारी बहन यदि बहुत सुंदर भी है तो भावना पवित्र है तो उसको पास भी बैठेंगे, उसका शरीर कभी स्पर्श करेंगे तो मन में बुरे विचार नहीं होंगे क्योंकि हमारी भावना पवित्र है। इसी तरह से हम हर सुंदर साथ के हृदय में युगल स्वरूप को देखें कि हमारा सुंदर साथ या बहन या भाई इतना सुंदर है, इसका हृदय भी सुंदर होगा और इसके हृदय में धाम, हृदय में हमारे धाम धनी युगल स्वरूप विराजमान है तो कोई पाप नहीं है। सुंदरता को देखना पाप नहीं है, सुंदरता में गलत भावना रखना पाप है। और गलत विचार कहाँ से पैदा होते हैं? हमारे बुरे संस्कार हमारा पीछा करते आ रहे होते हैं। जब हमें अच्छे संस्कार नहीं मिलते, हमारी बुद्धि में रजोगुण तमगुण होता है, राज्य का ध्यान नहीं करते, तो हम चेहरा न भी देखें हम एकांत में बैठे रहेंगे तो बुरे विचार हमारा पीछा करते आ रहेंगे। मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ। मेरी जन्मभूमि के पास एक महात्मा रहते थे घाघरा के उस पार, और उनका नाम था देवराहा बाबा। उनके दर्शन करने के लिए इंदिरा गांधी कई बार आती थी, साष्टांग जमीन पर लेट जाती थी, और राजेंद्र बाबू आ चुके थे, जवाहरलाल नेहरू आ चुके थे, देश के बड़े बड़े नेता उनका दर्शन करने आते थे, आशीर्वाद मांगते थे। वो एक लकड़ी का मचान बनाए थे, उस पर रहा करते थे। एक बार वो अपने मंच पर बैठे थे, उनके मंच की तरह एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की आने लगी तो महात्मा जी चिल्ला पड़े कि नरक का कुंड कहाँ से आ रही है, रुको। वो लड़की ने कहा कि महाराज जी, ये नरक का कुंड नहीं होता तो आपका मुंड भी नहीं बनता, कि आपको भी किसी माँ ने ही तो पैदा किया है, मैं आपके दर्शन करने आ रही हूँ तो मैं नरक का कुंड आपको क्यों दिखाई पड़ रही हूँ? आपकी बुद्धि में पाप है इसलिए आप मुझे नरक का कुंड देख रहे हैं। यदि आपकी पुत्री मेरी जगह आती तो क्या आप उसको नरक का कुंड कह सकते थे? इसलिए अपनी दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए हमें मातृभावना करनी होगी। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, ये संस्कारों की बात है। विवेकानंद अमेरिका में गए हुए थे, आधी रात को उनके कमरे में एक अर्धनग्न लड़की ने प्रवेश किया और भेजा था पादरियों ने। उन्होंने सोचा था कि विवेकानंद को किस तरह से फंसा दिया जाए, तो अमेरिका से इनको धक्के देकर निकाल दिया जाए, क्योंकि अमेरिका में विवेकानंद की प्रतिष्ठा से सभी पादरी लोग परेशान थे। विवेकानंद सोए हुए थे, उनकी आंख खुली, देखा कि अर्धनग्न लड़की खड़ी है। कहा कि माताश्री अंदर आइए। अब माता कहते ही उस लड़की क्या थी,
आजकल आधुनिक भाषा में जिसको कार्ल गर्ल्स कहते हैं, वैश्या ही थे। वो शर्म के मारे पानी पानी हो गई कि मैं जिसको बर्बाद करने की नीयत से आई थी वो कितना भोला भाला मासूम है, मुझे माँ कह करके संबोधित कर रहा है। उसने जा कर के अपनी अन्य सहेलियों को कहा कि वो तो 10 साल का मासूम बच्चा है और सबने मुझे षड्यंत्र करके कैसे व्यक्ति के पास भेज दिया। कहने का आशय क्या है? हमारे भाव पवित्र होंगे, हमारे विचार पवित्र होंगे तो देखने से कुछ असर नहीं होगा। हाँ, दृष्टि में पवित्रता होनी चाहिए। चक्षु मुस्लिम कामम उलुकलम। यदि हमारी दृष्टि में पवित्रता नहीं होगी तो इससे कोई भी लाभ नहीं है। दृष्टि में पवित्रता तब तक नहीं होगी जब तक हमारे हृदय में पवित्रता नहीं है। हृदय में पवित्रता जब तक तब तक नहीं होगी जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे। इसलिए चितनी में बैठिए। राजी श्यामा जी से ज़्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। राजी श्यामा जी की सुंदरता में मुग्ध होइए। ये मिट्टी का शरीर तो कुछ दिनों तक सुंदर रहता है, 16 साल से लेकर 40 साल तक सुंदरता बनी रहती है, उसके बाद तो सुंदरता ढलने लगती है, चाहे पुरुष की सुंदरता हो चाहे स्त्री की सुंदरता हो। किंतु उस सौंदर्य को पवित्र भावना के दृष्टि से देखेंगे तो कुछ भी विकार नहीं होगा। आप देखेंगे जितने महान महान ऋषि मुनि हुए हैं वे बहुत अधिक सुंदर थे, लेकिन उनकी सुंदरता पर विकारों का कोई प्रभाव नहीं था। परमात्मा से अधिक सुंदर कोई नहीं है। वेद के एक मंत्र में कहा गया कि स्वरूप कृत्नम उते, हे परमात्मा तू सौंदर्य का निर्माता है। सौंदर्य का निर्माता परमात्मा है तो वह सौंदर्य विकार की वस्तु नहीं है, सौंदर्य उपासना की वस्तु है। बस उस सौंदर्य को पवित्र दृष्टि से देखा जाए। यदि हमारी दृष्टि पवित्र नहीं है तो सभी ये अफ्रीका के जितने हफ्सी हैं, काले कलूटे होते हैं, बिल्कुल भयंकर उनके चेहरे होते हैं, सारे परमहंस हो जाते हैं, लेकिन उनमें परमहंस भावना तो क्या, राक्षसी भावना होती है। इसलिए यदि ये कहना कि सौंदर्य ही हमारे बंधन का कारण है तो सौंदर्य बंधन का कारण नहीं है। सौंदर्य में अश्लीलता न बने, चाहे विचारों की अश्लीलता हो चाहे क्रियाकलाप की अश्लीलता, तो सब ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान के लिए दृढ़ संकल्प, अटूट श्रद्धा, पूर्ण समर्पण तथा अटूट ईमान अनिवार्य, लेकिन ये सब हमारे अंदर कैसे आएंगे और कब, कृपया बताइए। आप जब राज्य का ध्यान करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? राज्य हमारा बिजनेस चालू हो जाए बढ़िया से, हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, ये हो जाए, ये सब मत मांगा कीजिए। राज्य से यही मांगा कीजिए कि राज्य हमें आप अपने प्रति अटूट विश्वास दिलाइए, अटूट श्रद्धा हमारे हृदय में आपके प्रति हो, आपके प्रति अटूट समर्पण हो, अटूट प्रेम हो। राज्य से मांगिए, ये संपदा केवल राज्य दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता। ये आपका मांगना अधिकार है, संसार की वस्तु मांगना आपका अधिकार नहीं है। और राज्य से यदि आप अटूट श्रद्धा समर्पण प्रेम विश्वास मांगते हैं तो इसमें आपकी आत्मा की जागृति होगी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें लिखा है कि आदरणीय स्वामी जी आप अपने अनुभव बताएं, ऐसा निवेदन है, प्रारंभिक अवस्था से अब तक के। देखिए मैं आपको जो भी कहता हूँ किताब पढ़कर केवल नहीं कहता, रटा रटा नहीं कहता, अपने अनुभव से ही कहता हूँ। मैंने चोपड़ा जी के साधना काल में अपनी जीवा पर नमक रख कर देखा है कि इसका क्या असर होता है, काली मिर्च रख कर के देखा है कि क्या असर होता है। तो सारे अनुभव करने के पश्चात मैं कहता हूँ कि आप ये खाएंगे तो आपको साधना में प्रगति होगी। वैसे संन्यास जीवन मेरा ऐसा गुजरा है कि उस कहानी को बंद ही रखिए तो अच्छा है। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जिनको तारतम घर बैठे बैठे मिल गया है उनको इसकी कीमत का पता नहीं है। और राज्य के चरण पाने के लिए मैंने 18 वर्ष से 20 साल की उम्र तक यूपी बिहार एमपी तीनों का ओर छोर घूम दिया, जंगलों में घूम दिया। जो मैं आसन की बात करता हूँ तो आसन की सिद्धि के लिए मैंने रात रात भर प्रयास किया है और लगभग 25 वर्ष से ज़्यादा पद्मासन का अनुभव है, 8 साल से ज़्यादा सिद्धासन का अनुभव है। तो मैं कहता हूँ कि आप आसन सिद्धि कर लेते हैं, आहार की शुद्धि कर लेते हैं तो आपकी चितवनी का आधा काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि आसन की सिद्धि से आप शरीर को भूल जाएंगे, शुद्ध आहार विहार करेंगे तो क्या होगा, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो चित्त
शुद्ध होगा। चित्त के शुद्ध होने से मन बुरे विचारों की तरफ जाएगा ही नहीं। हमेशा यह ध्यान रखिए कि आपके जीवन में जो भी संघर्ष आ रहा है वो हमेशा नहीं रहेगा। सुख और दुख के बादल हमेशा आते जाते रहते हैं। जीवन में अपमान देखना पड़ता है, दुख देखना पड़ता है, घृणा देखनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं रहता। जब मेरे पास सुंदर साध आते हैं, कहते हैं कि क्या करें, सारा धन चला गया, तो मुझे बहुत हंसी आती है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मेरे जीवन में ऐसा कई बार आया है जिसमें कई कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी मुझे खाने को नहीं मिला है, क्योंकि मैं खोज में था। रास्ते चलते भी लोग गाली देते थे कि नौकरी नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता तो महात्मा बन जाते हैं। एक बात सोचिए, आज आवश्यकता है वाणी के ज्ञान फैलाने के लिए, तो ये माताएं बहनें भी अपने बच्चों को सिखाती है कि बेटे जब तुम बड़ा हो जाना तो ज्ञान पर छोड़ करके आ जाना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास डिग्री नहीं तो हमारा भविष्य क्या होगा, और जानते हैं मैं तो 16 साल की अवस्था में वैराग्य में आ गया था, 18 साल की अवस्था में तो विधिवत घर छोड़ दिया था, तो मैं इंटर से आगे की पढ़ाई नहीं कर सका, मेरे पास डिग्री तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बच्चों से भी कहता हूँ कि मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे तो तुम हो, लेकिन हाँ, राज्य की कृपा दृष्टि से थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, थोड़ा बहुत चर्चा कर लेता हूँ। ये मैं अवश्य कहूँगा कि आप साधना के पथ पर बढ़ते रहिए। कुछ भी उपलब्धि हो तो उसको डिटूरा न पीटिए कि मुझे ये प्राप्त हो गया है। कितना भी ज्ञान हो तो उसका अहंकार न लीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। लिखने से पहले मुझे कुछ मालूम नहीं रहता, राज्य की कृपा से जब कलम पकड़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि राज्य सतगुरु महाराज की कृपा से मैं लिखते जाता हूँ, और लिखने के बाद मैं खुद भूल जाता हूँ। यहाँ तक कि चर्चा करने के बाद भी मैं कई बार भूल जाता हूँ कि आज किस प्रकरण की चर्चा किया। कोई पूछ देता है कि आज क्या चर्चा की, मुझे कई बार कहना पड़ता है कि भाई पूछ लो उनसे, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता। और सच बात यह है, आमतौर पर लोगों में यह धारणा है कि संन्यास जीवन आराम के लिए होता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि 14 वर्ष की अवस्था से मुझे 4 घंटे से ज़्यादा नींद बहुत कम बार मिली है। मैं सोचता हूँ कि गृहस्थी ज़्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि तो वो तो 8 घंटे की ड्यूटी कर लेते हैं और 6 घंटे आराम से सोते हैं, और संन्यास जीवन में तो मुझे मुश्किल से कभी कभी 5 घंटे की नींद मिलती होगी, क्योंकि मेरे जीवन का महान उद्देश्य है वाणी का ज्ञान फैलाना, सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसाना। तो आप भी इसी रास्ते पर चलिए। चितवनी का जो अनुभव होता है, आप किसी से कहेंगे तो आप में अहंकार की वृद्धि होगी कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये देख लिया। इसलिए अहंकार प्रेम में बाधक है, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। राज्य ने जो आपको निधि दी है उसको अपने हृदय में रखिए, अपने दामन में अहंकार का कभी भी विकार पैदा न होने दीजिए, क्योंकि अहंकार रहेगा ज्ञान का, भक्ति का, चितवनी के अनुभव का, तो ये आपके पतन का कारण हो जाएगा। यही मेरा अनुभव है, और यदि मैं कुछ बात कहता हूँ तो समझ लीजिए कि मैं किसी अनुभव से कह रहा हूँ कि आप ऐसे खाइए, ऐसे ध्यान कीजिए, ऐसे कीजिए। जिसने आम की मिठास का वर्णन किया है तो इसका तात्पर्य ये है कि या तो उसने आम को खा लिया है, या खाने वाला है, या सामने रख लिया है, तभी तो कह रहा है कि आम मीठा है। बस इतने से ही समझ जाइएगा कि मेरे कथनों पर विश्वास करके आप आँख मूंद कर चितवनी कीजिए और वाणी का चिंतन कीजिए। अगला प्रश्न है, अगर हम दिन में 2 या 3 बार ध्यान करते हैं तो क्या हर बार लोगों को पार करना जरूरी है, या सीधा मूल मिलाव ध्यान लगाए? देखिए, जो परमहंस होते हैं, जो हमेशा राज्य के भावों में डूबे रहते हैं, उनके लिए आवश्यक नहीं है कि हर बार मूल मिलावे में जाने से पहले कालमय युगमय को विधिवत पार करें। लेकिन जो सामान्य सुंदर साथ है, जो परमहंस अवस्था में नहीं पहुंचा, वो चितवनी करने से पहले यदि 1 घंटा की चितवनी करते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट सदगुरु के ध्यान में या गुमर जी की सेवा के ध्यान में अथवा कालमाया युगमाया को पार करने में अवश्य लगाएं। 10 मिनट का आपका ये खर्च कोई महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली बात यह है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जितना आप विनम्र बनेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे, जितनी अकड़ आएगी उतना ही आपका पतन होगा। आप
ने किसी महापुरुष परमहंस के चरणों में बैठकर जो तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, चितवनी में पहले उनका ध्यान कर लेंगे तो आप में विनम्रता आएगी, उनकी छवि आपके हृदय में अंकित होगी, उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलेगी आपको। यदि आप गुमर जी की सेवा का ध्यान करेंगे, उस सिंहासन पर विराजमान युगल स्वरूप की भावना करके ध्यान करेंगे और तब चितवनी का प्रारंभ करेंगे तो निश्चित है कि राज्य का जोश आपके साथ जुड़ जाएगा। यदि आप अकेले अपने आप सीधे मूल मिलावे में जाएंगे तो हो सकता है कि साधना में कुछ चूक भी हो सकती है। 60 मिनट में 10 मिनट इस कार्य के लिए देने से मुझे नहीं लगता कि कुछ नुकसान हो। और यदि आप सीधे मूल मिलावे में चले गए कि ये मूल मिलावा है ऐसा है, तो निश्चित है कि आपका मन तो अभी एकाग्र हुआ नहीं। आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो 10 मिनट के अंदर अपने मन को एकाग्र करे। जिन सुंदर साथ ने 12-12 घंटे एक आसन पर बैठकर, मैं सुंदर साथ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे पंथों के महान योगी हैं, उनसे मैं मिला, उनका कहना है कि एक घंटे से पहले किसी का मन एकाग्र होता ही नहीं है। तो यदि आप सीधे मूल मिलावे में जाते हैं तो निश्चित है कि आपका मन मूल मिलावे में लगेगा ही नहीं, वो फिर इधर भाग आया करेगा। और जो एक परमहंसों ने जो जैसा निर्देश किया है, यहाँ से चलेंगे तो एक नियमितता का पालन करेंगे और वो समाज के लिए आदर्श होगा। योग दर्शन का पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। इसका अर्थ क्या है? परंपरा से जैसा चला आ रहा है योग के संबंध में उसका पालन करना, क्योंकि योग दर्शन क्रियात्मक दर्शन है। आप रिसर्च की बात करते हैं, हर चीज़ में कहते हैं कि हमने नई रिसर्च की है, योग में रिसर्च नहीं होती है, आप कोई आविष्कार नहीं कर सकते। आपको कहा जा रहा है कि कूदो, तो आपका काम है कल कूदना। आपको तर्क वितर्क करने का अधिकार नहीं कि मुझको क्यों कहा जा रहा है कि कूदो। जो आपका निर्देशक है वो जो कहे आंख मूंद करके करना चाहिए। यदि आपने तर्क प्रश्न खड़ा कर दिया कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो आप इसके योग साधना के अधिकारी नहीं है, योग की ऐसी मान्यता है। क्योंकि भौतिक विषयों की खोज हो सकती है, जो ध्यान समाधि का प्रश्न है ये सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है। हर आचार्य ने अपने शिष्य को जो कह दिया उसको अंतिम सत्य मानकर उसने वैसा ही आचरण किया, तभी वो सफल होता है। आजकल क्या हो रहा है कि योग के नए नए आचार्य बन रहे हैं, वो पुराने आसनों में थोड़ा सा हेर फेर कर लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरी नई विधि है। नया कुछ नहीं होता। जैसे रविशंकर, श्री श्री रविशंकर जी की जो सुदर्शन प्रक्रिया क्या है, नया कुछ भी नहीं है। कुछ आसन है, कुछ प्राणायाम है, ध्यान की प्रक्रिया वही है, नामकरण अलग अलग हो गया है। कोई 184 आसन कहेगा, कोई 250 कहेगा, कोई 300 कहेगा, कोई 1000 कहेगा, उसमें थोड़ा सा हेर फेर किया जाता है, मूल सिद्धांत वही रहते हैं। ध्यान के संबंध में, जो समाधि के संबंध में सिष्ट के प्रारंभ से चला आ रहा है, आज के करोड़ साल के बाद भी वही रहेगा, उसमें हेर फेर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आपको कहा जाता है बस उसको करते चलिए, परिणाम आपको बाद में दिखेगा। अंतिम प्रश्न है, क्या प्रेम और इश्क एक ही है? हाँ, एक ही है, ये केवल भाषा भेद है। वाणी में एक विशेषता है कि हिंदू पक्ष में जो बात कही जाती है, कुरान पक्ष की भी भाषा का शब्द में वो किस उस भाषा में कौन सा शब्द प्रयोग होगा वो कहा गया है। जैसे वन और जंगल, वन हिंदी का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, जंगल फारसी का है। आशा उम्मीद, आप देखेंगे वाणी में आशा शब्द हिंदी का है, उम्मीद शब्द फारसी का है। इसी तरह से प्रेम और इश्क भी है, प्रेम शब्द हिंदी संस्कृत का है और इश्क शब्द फारसी का है। फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, किंतु जोश और आवेश साहित्यिक दृष्टि से एक है, स्वरूप की दृष्टि से एक नहीं है। अभी कल आप लोगों ने श्री श्रीवास्तव जी की चर्चा सुनी थी, उसमें उन्होंने चौपाई बोली थी, प्रेम बसे पिया के चित्त। चित्त किसको कहते हैं? हृदय को। राज्य के हृदय में जब चित्त हृदय में प्रेम है तो परमधाम में क्यों नहीं प्रेम होगा? एक विचारधारा कुछ साल पहले चली गई कि प्रेम योग माया में है और इश्क परमधाम में है। सारे सुंदर साथ ने रट्टा लगा रखा है, लेकिन वाणी की दृष्टि में जब कह दिया या के प्रेमे के वस्त्र, या के प्रेमे के भूखन, या के प्रेमे को सहज सिंगार, जब राज्य के हृदय में प्रेम है, सखियों के वस्त्र आभूषण प्रेम के हैं, तो परमधाम में प्रेम क्यों नहीं होगा? तो
नफसी इश्क, इस हिरसी इश्क तो काल में है कि ब्रह्मांड में होता है, तो कैसे कह सकते हैं कि इश्क केवल परम धाम में है, प्रेम परम धाम में नहीं है? ये साहित्य का ज्ञान न होने से बातें कही जाती हैं। हाँ, वाणी में जहाँ जोश और राइस की बात है वो अलग अलग रूपों में है। अभी 5 मिनट हैं, मैं 5 मिनट में थोड़ा सा बता देता हूँ। सवेरे आपने सुना, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टा है, युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भव दुखा। साधना किसकी सफल होती है? जो उचित आहार करें, न कम करें न अधिक करें। विहार, विहार का तात्पर्य क्या है? चलना फिरना। यदि आप दिन रात बैठे रहेंगे तो भी आपका शरीर अकड़ जाएगा। साधना के नाम पर आप चले फिरे नहीं, कुछ आसन न करें तो शरीर रोगी हो जाएगा। और इतना आसन कर लें कि शरीर थक जाए तो भी आपको नींद आएगी, उस अवस्था में भी आप साधना नहीं कर सकते। युक्त कर्मस्य चेष्टा, आप कहें कि नहीं मुझे तो केवल ध्यान करना है, कुछ काम नहीं करना है, तो भी आप सफल नहीं हो सकते। युक्त उचित मात्रा में, कुछ हल्के हल्के शरीर को चलाइए, कोई काम ना हो थोड़ा सा टहल लीजिए, कमरे में भी बंद होकर कुछ हल्के आसन कर लीजिए जिससे शरीर निरोग रहे। और इतना परिश्रम कर लिए, खूब जोर जोर से फावड़ा चला लेंगे, खूब तेज तेज दौड़ेंगे, तो भी शरीर इतना थक जाएगा कि आपका आसन नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान करने वाले को उचित मात्रा में खाना है, न कम खाइए न अधिक खाइए, न अधिक टहलिए फिरिए, न बिल्कुल बैठे भी न रहिए, न बहुत काम कीजिए और न बिल्कुल सोते ही नहीं रहिए। युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुखा, न बहुत जागिए न बहुत सोइए। बहुत अधिक जगेंगे तो ध्यान में बैठे रहेंगे तो झपकी लेते रहेंगे, क्योंकि मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। अधिक साधना करने के प्रयास में 14 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की अवस्था तक मैं ज़्यादा बैठे ही रहा। परिणाम क्या हुआ कि मैं सिद्धासन पर बैठता था, पूरी रात बैठ तो जाता था लेकिन झपकी लेता रहता था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये लगता था, आज भी मुझे लगता है कि जरूर मैं उसी में सो लेता था, क्योंकि लेट कर सोने की आदत नहीं थी। यदि मैं 3 घंटे भी 2 घंटे भी सो लेता तो शायद मैं बढ़िया से साधना कर सकता था। ये मेरा अनुभव है कि ज़्यादा जबरन जगने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और अधिक सोने की भी कोशिश नहीं करना चाहिए। अधिक सोएंगे तो आपके अंदर तमोगुण पैदा होगा। जब आप ध्यान की गहराइयों में होते हैं तो आपके लिए 2.5 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। ध्यान समाधि में रहने वाला, सात्विक आहार करने वाला 2.5 घंटे से अपनी नींद पूरी कर सकता है। 2 घंटे भी अच्छी नींद मिल जाए तो काफ़ी है। मध्यम स्तर का जो साधक होता है उसके लिए 3.5 घंटे की निद्रा पर्याप्त है। ऊँचे और जो तृतीय श्रेणी का साधक होता है उसके लिए 4-4.5 घंटे की निद्रा पर्याप्त होती है। इससे अधिक ध्यान करने वाले को सोना नहीं चाहिए। हाँ, यदि आप 6 घंटे सोएंगे तो आपके अंदर तमोगुण पैदा होगा। 6 घंटे की नींद तो तभी आएगी जब आप घी से तर पूरे पूरे पराठे खाएंगे, मक्खन खाएंगे, तो निश्चित है कि नींद आएगी। हल्का आहार कीजिए, अपने आहार को सात्विक बनाइए, भूख से कुछ कम खाइए, बिल्कुल भी अन्न का प्रत्याग न कीजिए, लेकिन थोड़ा खाइए, शरीर शुद्ध रहेगा, मन शुद्ध रहेगा और आपकी साधना सफल होती रहेगी। आपके मन में जो बीज जैसाए हैं कागज़ पर लिख करके कल भेजते रहिएगा। यहाँ इस शिविर में यदि संकोच करेंगे तो हानि आपको होगी। निसंकोच अपने विचारों को प्रकट कीजिए ताकि आपकी शंकाओं का समाधान हो सके। और आप घर जाने के बाद हर दिन ऐसा समय बिताइए कि चितवनी के बिना एक भी दिन न जाए। और जिस दिन आप चितवनी न कर पाएँ उस दिन आहार भी छोड़िए। जैसे देवचंद जी को जिस दिन भागवत की कथा नहीं मिलती थी तो आहार नहीं करते थे। आपको तो परमधाम की वाणी मिली है, परमधाम की वाणी मिलने के बाद भी यदि आप चितवनी नहीं करते हैं तो इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी। जब तक अपने को कठोर नियमों में नहीं बांधेंगे कि आप चितवनी नहीं किया तो कुछ न कुछ दंड तो होना चाहिए, तब तक आपके आगे बढ़ने का मार्ग नहीं खुलेगा। आपको राज्य को पाने के लिए अपनी निष्ठा को तो परिपक्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही निष्ठा, यही प्रेम, यही समर्पण आपको राज्य के चरणों का दीदार कराएगा। क्योंकि कई कोट राज बैकुंठ के न आवे इत के खिन समान। एक पलक के लिए भी यदि आपकी सुरता राज्य के चरणों में पहुंच गई तो जो झलक मिलने में जो आनंद होगा
उसके सामने करोड़ों बैकुंठ का राज भी दे दिया जाए तो कुछ नहीं। आप तो इसलिए चितवन ही नहीं करते ना कि काम का बहुत जोर रहता है, आप किसी को आईएएस बनना होता है, किसी को करोड़पति बनना होता है, किसी को रिश्तेदारों का स्वागत करना होता है, बहनों को अपनी सहेलियों को खुश करना होता है, इनके पीछे पीछे सब राज्य को भुला देते हैं। कड़वी सच्चाई है, पहले नंबर पर राज्य को रखिए, सब छूट जाए छूटने दीजिए, कोई रूठ जाता है रूठने दीजिए, लेकिन चितवनी के समय राज्य को उस समय समय दीजिए तो देखिए आप एक कदम बढ़ाएंगे, राज्य हजार कदम आपके पास चल कर आएंगे, आप चलने का प्रयास करेंगे तो दौड़ कर आएंगे, और उनको आने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपके धाम हृदय में पहले से बैठे हैं, वो पर्दा झटके से हटा देंगे और आपको युगल स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है।